जो हमारा लूका में जो 9:33 से शुरू होता है, the portion that begins in Luke from verse chapter 9 verse 35 onwards, मगर बहुत डिटेल में और सफाई से ये मरकुस में दिया गया है 9:14 to 27 तक. It starts from Luke 9:37, but this is told in more detail in Mark 9:14 to 29. So, पहला जो 33 में वो पहाड़ से जब उतरने की बात. So in verse 37 is the verse where the Lord is telling the disciples they're coming down from the mountain. जब हम संगति में होते हैं, प्रार्थना वचन में होते हैं, हम आत्मिक रूप से काफी ऊंचाई पर होते हैं, पहाड़. When we are in fellowship and in prayer, we are on a high ground, we are on a mountain. मगर हमें वादियों में आना पड़ता है. But we do have to come to the valleys. और जब तक ये शरीर है, हमें इन वादियों में जीना पड़ेगा. As long as we are in this flesh, we will have to live in the valleys. जब मूसा पहाड़ पर से उतर के आता था, When Moses used to come down from the mount, तो वो उसमें से प्रकाश की किरणें निकलती थी. Then rays of light would come out from his face. तो लोग डर के मारे उसके पास नहीं आते थे. And people out of fear would not come close to him. मगर यहाँ देख रहे हैं कि प्रभु के पास भाग कर आ रहे हैं. But here we see people come running to the Lord Jesus Christ. हाँ, तो प्रभु के प्रकाश में प्रेम है. There is love in the light of the Lord. वो प्रकाश, वो व्यवस्था वाला प्रकाश नहीं है जो डराता है. It is not the light of the law that should scare people. ये प्रकाश वो है जो हमें आकर्षित करता है. It is this light that attracts us. आइए हम पढ़ेंगे इस पर 14-27 तक और प्रार्थना करके फिर जाएंगे. Can we read from here in Mark 9:14 to 29 and then Luke 9:37 and then we'll go forward. Mark 9:14 to 27. Our brother Joel will read. Joel bhai, Mark 9:14 to 27. और जब वे चेलों के पास आए तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं. और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया. उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था. जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है. और मैंने चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल न सके. यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देख के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ. तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उसे आत्मा में तुरंत तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वे भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा. उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से. उसने उसे नाश करने के लिए अभी कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हम पर उपकार कर. यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है. बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास का उपाय कर. तब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ और उसे फिर प्रवेश न कर. तब वे चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वह बालक मरा हुआ सा हो गया. यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वे खड़ा हो गया. आई एम प्रार्थना करें. शैल वी प्रे? उस वचन पे आशीष दे. द लॉर्ड ब्लेस द वर्ड दैट यू ब्रेड. मुझे अपने लहू से पवित्र करें. Sanctify me in your blood. सारी महिमा आपको मिले. You may receive all the glory. यर्मिया 1:9-46 निर्गमन 4:12 पूरा करें. Fulfill Jeremiah 1:9 Exodus 4:12 and Isaiah 48:6. पवित्र आत्मा आप कंट्रोल दें पूरा. Holy Spirit that you take full control. बोलते हैं आप दें, पुकारने का शब्द दें. Give boldness to speak and a voice to cry out.
हमारे वचनों से किसी को ठोकर ना लगे, बल्कि आपके पास no one may be stumbled through our words, बल्कि उभारे जा सके। but they may be encouraged. एक बड़ा परिवर्तन आए, a real big change may come. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। In Jesus' name we pray. Amen. यहाँ पर जो कुछ हम कई दफा बोलते हैं, many times what we speak, लोग कुछ और सुनते हैं उसके बारे में। And people hear something else about it. हाँ, मैं किसी बहन के बारे में कह रहा था, वो अपनी सास के बारे में सुन रही थी। And I, one sister said I was hearing about my mother-in-law. हाँ, मैंने शक्ल देखी, मेरी सास की लंबी लंबी सांसें आ रही थी। I saw my mother-in-law was breathing with long breath. मुझे ये नहीं समझ, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ आपसे, I'm saying this because कि हम कई दफा सुनते हैं और मतलब कहीं दूर जाते हैं और कुछ और मतलब निकालते हैं उस सुनने का, जैसे वचन के we hear something, but we take out a completely different meaning out of what we have heard. दिल्ली में महापवित्र महासभा हो रही थी। There was a holy convocation going on in Delhi. तो सुबह जब मैं आ रहा था एक गैलरी थी, तो उसमें से होकर आ रहा था। आप कैन यू पार्ट मी ब्रदर, कैन रिपीट दैट? होली कन्वोकेशन दिल्ली में हो रही थी। होली कन्वोकेशन वाज गोइंग ऑन इन दिल्ली। तो मैं सुबह के टाइम में लौट के आ रहा था, तो दो बहनें आ रही थी। आई वाज रिटर्निंग बैक इन द मॉर्निंग एंड देयर वर टू सिस्टर्स कमिंग। और वो एक जो बहन थी, वो एक को बहन को पकड़ के ला रही थी कि ये तो यहाँ से जाना मांग रही है और ये कुछ कह रही है, मतलब। And one sister she brought the other and she said she wants to leave this meeting and she wants to say something. हाँ, तो ये कह रही है, तूने जो प्रचारक था उसे मेरे बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया पहले से। And she said that the preacher he told me everything about my life. तो वो दूसरी औरत बोली, उनका भाई आपको इसने सब बताया, तभी तो कल रात को आप प्रचार कर रहे थे। And she said, brother, because she told you everything about me last night, that is why you were preaching like this in the night. वो पहली बार आई थी वो शायद। She had come for the first time. उसने कहा, मैंने कहा, बहन क्या बात हो गई? मैंने कहा, I said, sister, what happened? क्योंकि आप कल कह रहे थे कि देखो कई यहाँ बैठे हुए हैं, मुर्गी पड़ोसी के यहाँ छोड़ के आए हैं और उनका ध्यान वहां लगाओ, आपको कैसे पता लगा? She said, you said last night that some have come here leaving their hens with the neighbor and now they are worrying about that hen rather than being here in this meeting. How did you know? Unka dhyan wahi murgi mein phasa pada. Their mind is in the hen. So aapko kaise pata laga? How did you know? Main bahut thodi der sochta raha. I kept on thinking for some time. Maine haath jode. And I folded my hands. बहन मैं इसलिए नहीं भी नहीं जानता और आपको भी नहीं जानता। I said, sister, I don't know you, I don't know her. तो कई दफा प्रभु बड़ी सटीक बात करता है, बड़ी पता नहीं लगता हमें। Many times the Lord speaks very accurately and we do not know, we can't make out. मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप यकीन करें या न करें। And you may believe it or not. कई दफा मैं प्रचार करता होता हूँ, तो मैं उस प्रचार को सुनता रहता हूँ, ये प्रचार हो कहाँ से रहा है? Many times when I am, sometimes when I am preaching, many times when I am preaching, when I start hearing the preaching myself, where is this preaching happening? मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे नहीं पता। What am I saying? Even I don't realize it. पूरा कंट्रोल प्रभु ले लेता है। The Lord takes full control. हाँ, ये प्रभु की, जब हम पूरी तरह पवित्र आत्मा के अधीनता में आ जाते हैं। When we completely come in the full subjection of the Holy Spirit. हाँ, अभी मैं शायद कल ये प्रश्न कर रहा था कि अमेरिका में हर तीसरा बच्चा जो है वो सिर्फ उसकी माँ पाल रही है। I read a few days back that every third child in America is being raised by his mother. हाँ, अभी एक कोई आदमी कल कह रहा था कि टेक्नोलॉजी और ये मोबाइल इतना ज्यादा हो गया कि एक परिवार में एक जगह रहते हैं और सब अलग अलग जी रहे हैं बिल्कुल। And somebody was saying recently the technology and mobile technology etc have become so much people are living under one roof but they are living apart from each other. हाँ, और फिर एडिक्शन हो जाता है उनमें। And then it leads to addiction. और वो इतना बढ़ जाता है। And becomes so much कि इससे सुसाइड रेट बहुत बढ़ता है।
सुसाइड रेट स्टार्ट्स माउंटिंग। मगर यहां पर हम देखते हैं कि एक बाप अपने बेटे को लाया, जवान बेटे को लाया। हियर अ फादर ब्रॉट हिज यंग सन। आप कहेंगे जवान तो लिखा नहीं, आप कैसे बता रहे हो जवान है? बट यू से इट इज नॉट रिटन यंग, हाउ यू सेइंग दैट? तो प्रभु पूछता है भाई इसकी ये हालत कब से है? And the Lord said, since when is this situation with this child, with this boy? तो कह रहा लड़कपन से है उसकी। Right from childhood. हालत कैसे है मतलब लड़कपन से? What has been, how, when, since when has this been condition been and since childhood? बच्चा जवान था, कहने लगभग जवान लड़का था। He was a young boy. और मैं आपको बता रहा हूँ कि बचपन में शायद 10-12 साल तक बच्चों का जो हीरो होता है उसका बाप होता है साथ में। And for a young boy till about 13-14 year old of years old of age, the father's father, the child's father is his hero. हाँ, उनको बड़ा घमंड होता है अपने बाप पर। They're very proud of their father. कुछ बच्चे उनमें बहस चल रही थी, बहस पर लड़ाई सी कुछ बच गई। Some children they were having an argument between themselves. छोटे बेटे ने कहा तुम मारेगा मैं मेरा पापा तुझे आके मार देगा। And the young boy he said, if you will beat me, my father will come and beat you. उसने कहा मेरा पापा तेरे पापा को पीट देगा। Then my father will come and beat your father. तो एक फिर बोला कि तेरे पापा को तो मेरी माँ पीट देगी। And then another said, your father, my mother can beat your father. को तेरी माँ पीट देती है? Your mother can beat my can beat can हाँ 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 पीट देती है। Yes, she does. मैं कई कई हैं जो अपने पति में ही बजा देती है। And there are some women who end up beating their husbands also. हाँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो आपको पता लग जाएगा मैं चानी के बारे में कह रहा हूँ। नहीं यार ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। I will not names, otherwise you will be able to make out I'm talking about ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे, मजाक कर रहा हूँ। ये बात देखिए खैर, तो वो मुझे एक बच्चा बोला, one of the child he spoke, हाँ कि मेरे पापा को ना MLA जान पहचान है। My father knows the MLA. तो दूसरा वाला है मेरे पापा को तो CM से जान पहचान है, चीफ मिनिस्टर से। Another said, no, my father knows up to the chief minister. एक छोटा बच्चा वहाँ खड़ा था। And a little boy standing there. क्योंकि मेरे पापा की जान पहचान परमेश्वर से है। That my father knows God. कितनी सुंदर बात थी। What a beautiful thing it is. हाँ, हमारे बच्चों को ये पूरा विश्वास हो कि हमारे Our children should have this complete faith. कि हमारे बाप परमेश्वर को जानता है। That my father knows God. हाँ, ये बड़ी बात है। It's a big thing. प्रियो, मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। I want to say one thing to you. हाँ, कि मैं 25 साल तक प्रभु के बारे में कुछ नहीं जान सका। Till the age of 25, I knew nothing about the Lord. हाँ, वो तो प्रभु ने चुना हुआ था इसलिए ले आया। Only the Lord's, because I was the Lord's chosen one, so He brought me. हाँ, मेरे माँ-बाप मसीह को नहीं जानते थे। My parents did not know Christ. मुझे नहीं मालूम था प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने आया, पाप को क्षमा कर, कुछ नहीं पता था। I did not know the Lord Jesus has come to forgive sins and save sinners. क्या धन्य वो बच्चे हैं जिनको बचपन से पता लग। How blessed are those children who come to know this truth from childhood. हाँ, मेरा तो बहुत समय बर्बाद हुआ। I so much of my time was wasted. हाँ, देखिए बच्चे जो हैं, एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ बड़ी सफाई से कि One thing that I will say clearly, अगर आपका जीवन मसीह के साथ ठीक नहीं है, If your life is not right with Christ, अब यहाँ मैं प्रचार करता हूँ, मेरे बच्चे समझ लेंगे मेरा बाप कितना मक्कार किस्म का आदमी है। When I preach here, my children will come to know how hypocritical my father is. हाँ, वो कह ना सके वो बात दूसरी है। They may not be able to say it. वो पति पत्नी के घर में लड़ाई मारपीट ये सब चीजें देखते हैं। They see the fighting between husband and wife at home.
बाप आके घमंड करता कि मेरे घर में टीवी भी नहीं रखता मैं। And the father says with great pride, I don't even keep a television at home. ये आत्मिक ईमानदारी नहीं है। This is not spiritual honesty. हाँ, इसमें प्रियो ये इसलिए है कि This is so because हाँ, क्योंकि जो हम बाहर दिखते हैं वो हमारे अंदर नहीं होता। What we see from outside is not true within us. एलिशा की कहानी में हम देखते हैं जब नामान से गेजी पैसे लेकर कैसे पैसे लेकर गेजी के पास लौटा। We read about the story of Elisha of Elijah that when Gehazi took money from Naaman and returned back. और वहाँ पर लिखा है वो टीले के पास आ गया। वो टीले का मतलब छिपने छिपाने की जगह पर आ गया। He came to stand in the place in a hiding place. हाँ, वहाँ उसने वो सब पैसा सब चीज छुपा दी। He hid all that money, all that he had taken from Naaman. एलिया उससे कहता है क्या ये समय इन सब चीजों को काम के लिए है? And Elijah said, is this time to do all these things to get this money? हाँ, ये इस टाइम के लिए फिर क्या, is it for क्या? This time? और ऐसा हमारा बहुत सारी चीजें हमने अपने जीवन में छिपा के रखी होती है। And so we have hidden many such things in our life. देखिए किसी के पास परफेक्ट विश्वास नहीं है। Nobody has perfect faith. एक भी नहीं, अगर कोई कहता तो झूठा है। Not even one. Anyone says he's a liar. हाँ, perfect बहुत सिद्ध विश्वास नहीं है किसी के पास। Nobody has perfect faith. मगर हमारे पास सिद्ध परमेश्वर है। But we have a perfect God. हाँ, ये विश्वास हमने नहीं पैदा किया। This faith we have not generated in ourselves. प्रेरितों तो काम 13:48 में क्या कहता है? What does he say in Acts 13:48? पढ़ते भाई, हिंदी में पढ़ते भाई। जी भाई, स्क्रीन हट गई। हाँ, ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए, परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगे, और जितने अन्य जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। Now when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many had been appointed to eternal life believed. वो हम ठहराए गए थे। We were appointed. और इसलिए ये विश्वास हमने किया, हमने कर। We were ordained for eternal life and so we believe. हमारी शक्ति से नहीं हुआ। It has not happened by our power. हाँ, ये वरदान है, गिफ्ट है प्रभु की। It is a gift given to us by God. हाँ, जो आप यहाँ बैठे हो या सुन रहे हो, जो आप ऐसी बात पर विश्वास कर रहे हो, ये आपकी सामर्थ्य में नहीं है। You who are sitting here and you who are able to believe what you are hearing just now, it is not because of your own power. हाँ, ये परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर की गिफ्ट है आप और मुझ पर। This is the gift of God upon us. देखिए, हमारे आत्मिक जीवन में एक ईमानदारी होनी जरूरी है। There ought to be an honesty in our spiritual life. ना तो हम अपने आप को कहीं ज्यादा बड़ा दिखाएं, ना कहीं कम दिखाएं। We should neither exaggerate beyond what we are, nor show way little than what we really are by the grace of God. मैंने कई एल्डर्स के बच्चों को देखा, बड़ा डिसिप्लिन दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, और क्या तमाशा, उनके बच्चे किस तरह बर्बाद हुए। I've seen elders' children, they show a lot of discipline, etc. in their lives, and yet there has been so much destruction caused through these children. हाँ, वो खुद में परमेश्वर के समय के बारे में विश्वास योग नहीं है, प्रभु के पैसे के बारे में विश्वास योग नहीं है, और चाहते ईमानदार नहीं है। वो चाहते हैं मेरे बच्चे ईमानदार हो। कैसे हो सकता है? These elders are not honest about the Lord's time, they're not honest about the Lord's money. Now how can they expect their children to be honest in that? हाँ, वो तो अपने बेटों की बुराई छुपाते हैं, अपने ही नहीं बच्चों की बुराई छुपाते हैं। They not only hide their own evil, they hide the evil of their own children. और ऐसे विश्वास बड़ी आसानी से जो ईमानदार नहीं है वो शैतान के हाथ में खेलते हैं। And such believers who are not honest, they play in the hands of the devil. हाँ, वो कहता है तीसरा योहन्ना 4 में कहता है, तीसरा He says in 3 John verse 4. If you can read 3 John verse 4. 3 John and verse 4. जी भाई, 3 John. जी भाई, निकोदेमस ने उससे कहा, ये नहीं है पत्री,
तीसरी पत्री योहन्ना की। योहन्ना की तीसरी पत्री, थर्ड जॉन वर्स फोर भाई। हाँ जी भाई, थर्ड जॉन वर्स फोर, वर्स फोर जी भाई। आई हैव नो ग्रेटर जॉय, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे वचन, कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। I have no greater joy than to hear that my children walk in the truth. ये बड़ी भारी खुशी है। This is a great joy. जब आपके बच्चे प्रभु के लिए कुछ करते हैं, प्रभु का आदर करते हैं। When your parents obey the Lord and honor the Lord. प्रियो, इससे बड़ी खुशी नहीं है हमारे पास। There can be no greater joy than this. और ये इसलिए नहीं है कई लोगों के पास कि वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़े विश्वासी हो, मगर वो अपने विश्वास में ईमानदार नहीं है। I am not saying that they ought to be some great believers, but that they are not honest in their faith. आपका विश्वास छोटा हो सकता है। You may be having a small faith. मगर विश्वास में ईमानदारी होना बहुत बड़ी बात है। But it is so important to be honest in the faith. ईमानदार विश्वास में एक बात होता है, जब प्रभु उसके पाप जताता है तो प्रभु उसे पवित्र आत्मा ये सामर्थ देता है, पाप मानने के लिए भी सामर्थ देता है। When honest faith is one where the Lord reveals your sin and it gives that person the power to acknowledge his sin. हाँ, प्रभु ने पाप जताता नहीं बल्कि हमसे पवित्र आत्मा कहता है उस पाप को मान ले। Not only does the Lord reveal our sins, but the Lord also compels us to acknowledge and accept our sin, confess our sin. जब हम अपने पाप को छिपाते हैं, हम पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं। When we hide our sins, we dishonor the Holy Spirit. हाँ, प्रियो, आपके बच्चे कभी अनुशासन में नहीं हो सकते, कभी ऐसे नहीं, जब आपका जीवन ही अनुशासन और मेहनती जीवन नहीं है। हम बच्चे मेहनत करें। Your life, if your life is not disciplined, if your life is not hard working, then you cannot expect your children to live a disciplined and hard working life. इस वादी में 8 चेले थे, 3 प्रभु के साथ गए थे। And in this valley there were 8 disciples, 3 had gone with the Lord. और इन ये बाप अपने बच्चे को चंगाई के लिए, उसमें दुष्ट आत्मा थी, गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा थी। And in this child there was this deaf and dumb spirit that the father had brought to the Lord. ना वो सुनती थी ना मानती थी। She did not hear, she did not accept. हाँ, अब आज का बच्चा जो है वो ना सुनता है ना मानता है। The child of today neither hears nor accepts. और एक ढिटाई की आत्मा उसके जीवन में काम करती है। A stubborn spirit works in him. और इन्होंने बड़ी कोशिश की, डांटा डबका उस आत्मा को, और इनका खूब मजाक बना। चेले तो इसी फिराक में खड़े थे कि कब इनका मजाक बनाया जाए। They tried, फरीसी. The disciples tried so hard to take out that evil spirit, but they could not. And the Pharisees were waiting to see this mockery of the disciples. वो दिखा रहे थे कि कितने खोखले। They were showing how hollow the disciples are. शैतान हमारे बच्चों को बर्बाद करने में लगा है। Satan is intent on destroying our children. हम वो सब कुछ उनके हाथ में दे रहे हैं जो उनको, we are giving all that in their hands that will lead to their destruction. परिवार में कोई अनुशासन नहीं है। There is no discipline in the family. या तो मैं अपने बारे में कमी मानता हूँ, मैं जरूर से ज्यादा सख्त हुआ अपने परिवार पर। ये बात I do realize one of my mistakes that I was way too strict with my family, with my children. मगर मैंने देखा कुछ लोग अनुशासन नहीं रखते अपने बच्चों पर, कोई नियंत्रण नहीं है। But on the other hand, I find there are people who have no discipline on their children. प्यार करना अनुशासित करना अलग बात है। It is a difference between over loving and having adequate discipline. आप वो कर रहे हैं आजकल माँ बाप, जिससे जो नई जनरेशन आ रही है वो बहुत बहुत कहना चाहिए घमंडी और किसी के अधीन ना रहने वाले जनरेशन आ रही है। And the parents are doing such things that are leading to a generation that is a very stubborn and rebellious generation. प्रभु ने कहा मैं तुम्हारी कब तक सहूंगा?
लॉर्ड सेड हाउ लॉन्ग विल आई बेयर विद यू, पर नूह के टाइम में प्रभु कहने लगा बस अब मेरे से नहीं सहा जाता, अब मेरे सामने इन द टाइम एंड इन द टाइम ऑफ नूह द लॉर्ड सेड हाउ आई कैन नॉट बेयर इट एनी लॉन्गर। हाँ प्रभु आपसे भी कह रहा मैं कब तक तुम्हें सहूंगा। The Lord is telling you also, how long shall I bear with you? मैं तुम्हारे पाप जताता हूँ, तुम पाप मानने को तैयार नहीं हो। I show your sins to you, you're not willing to accept your sins. हाँ, तो मैं तुम्हें कब तक सहूंगा? How long will I bear with you? आपके प्रार्थना के जीवन का क्या अनुशासन है? What is the discipline of your prayer life? प्रभु से पूछा हम क्यों नहीं कर सके इस काम को? And they asked, the disciple asked the Lord, why could we not cast this evil spirit? तुम्हारा प्रार्थना के जीवन नहीं सही है प्रभु के साथ। That is because your prayer life is not right, the Lord said. नहीं है, नहीं है, तुम प्रभु के साथ परमेश्वर का नहीं है सहमत हो। Your life is not right with the Lord. देखिए जो हम छिपी प्रार्थना करते हैं, the secret prayers that we pray, तो वो खुली सामर्थ दिखती है उसमें। Then it is through that secret prayer that open power is seen. हाँ, बड़ी सामर्थ दिखाई देती है जिस आदमी को। Great, great power is seen through the life of the man who is a prayerful man. मैं इस आदमी को जो कमजोर था विश्वास में, जिसे हमें कहना चाहिए, मगर ईमानदार था ये। This man, he was weak in faith, but he was honest. जब प्रभु ने कहा ये क्या कहता है, परमेश्वर से तो सब कुछ हो सकता है। And the Lord said, "What is this that you say? God can do everything." इसने कहा ना प्रभु अगर तू कर सकता है तो कर दे। When he said, "Lord, if you can do anything, please do it for us." अगर तू कर सकता है, इसने if जो है अगर है वो गलत जगह लगा दिया। And the word that he used, "If you can do anything," he used the word "if" in the wrong place. हाँ, एक अंधा प्रभु के पास आया लूका में। A blind man came to the Lord. वो भी if लगाता है, अगर लगाता है। He also puts the word if. प्रभु अगर तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता। Oh Lord, if you will, I can be healed. वो इसने कहा अगर तू कर सकता है। He said, if you can do it. उसने कहा अगर तू चाहता है। And he said, if you want to do it. बड़ा फर्क था इसमें। There's a big difference. मगर जब इसका पाप पता लगा। But when his sin was revealed. तो इसने फिर अपने बेटों के लिए प्रार्थना नहीं की। केलों से के लिए नहीं कहा कि उनमें कमी है, मैं लाया था ये नहीं हुआ, कुछ नहीं, इसने पहले अपने लिए प्रार्थना। Then he did not pray for his son, he did not blame the disciples, but he prayed for himself. ना अपने किसी पर कोई ब्लेम नहीं किया। He did not blame anyone. क्योंकि प्रभु ने इसके पाप पर, इसकी कमजोरी पर उंगली रख दी थी। Because the Lord had put his finger on this man's weakness. तो प्रभु ने पाप जताया और इसने मान लिया। The Lord showed him his sin and he acknowledged it. और इसने क्या कहा फौरन? And what did he say immediately? प्रभु मैं विश्वास तो करता हूँ। Lord I believe. मगर मैं तुझ पर शक भी करता हूँ। But I do doubt you also. मैं क्या करूँ? What can I do? मेरे बेटे का नहीं, प्रभु मेरा इलाज कर पहले। Oh Lord first heal me. क्योंकि मैं तुझ पर शक करता हूँ। Because I doubt you. प्रभु जी दयालुता, जब भी मैं विश्वास से प्रार्थना करता हूँ, मैं हमेशा शक के साथ प्रार्थना करता हूँ। Oh Lord, whenever I pray, I have doubt in my prayer. हाँ, तो हम एक बात दिखाई देते हैं कि अगर आपके अंदर सही विश्वास नहीं है, ईमानदार विश्वास नहीं है, If you do not have honest faith in you, हाँ, तो फिर क्या होगा? Then what will happen? फिर कुछ नहीं होने का, मैं आपसे बता रहा हूँ। Then I tell you, nothing is going to happen. आपकी हार निश्चित है इन दिनों। Your defeat is definite. आप बुरे दिनों का सामना नहीं कर पाएंगे। You will not be able to face the evil days ahead. हाँ, अगर आपका प्रार्थना का जीवन नहीं सहा है, तो आप शैतान के सामने नहीं खड़े हो सकते। If your prayer life is not right, you will not be able to stand before Satan. अगर आपके प्रार्थना के जीवन का अनुशासन सही नहीं है, तो फिर आप दर्शन नहीं पा सकते। If your prayer life is not in discipline, you cannot get the visions of the Lord. और ये जब तक आपका प्रार्थना का जीवन सही नहीं होगा, and until your prayer life is right, आपका अनुशासन का जीवन नहीं सही होगा, unless you have a life of discipline, तो कुछ नहीं होने का, nothing is going to happen. हाँ, आपकी प्रार्थना के जीवन का क्या हाल? What is the state of your prayer life?
क्या आप बहुत अनुशासित जीवन जीते हैं सुबह से? यू लिव अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ। या जब चाहे आपके परिवार में जब चाहे जो उठ रहा है, जब खा रहा है, जब पी रहा है, कोई अनुशासन नहीं है। और यू डू व्हाटएवर यू वांट इन योर फैमिली, व्हेनेवर यू वांट टू स्लीप और ईट और डू एनीथिंग, यू डू इट व्हेनेवर यू वांट। देयर इज नो डिसिप्लिन। एक विश्वासी कमजोर विश्वास का मगर ईमानदार विश्वासी होगा। अ बिलीवर मे बी अ वीक बिलीवर बट एन ऑनेस्ट बिलीवर। मैं आपको, और जो अनुशासित विश्वासी नहीं है, एंड अ बिलीवर हु इज नॉट अ डिसिप्लिन्ड बिलीवर, वो प्रभु के लिए भी शर्मनाक ठहरेगा। जैसे इसके चेले प्रभु के नाम पर प्रभु को बड़ी शर्मनाक बात फरीसियों ने प्रभु की, देख तेरे चेलों के पास लाए थे, कुछ नहीं कर सके। He will prove to be very shameful for the Lord. He'll bring shame to the Lord, like the disciples proved to be when they said, "We brought him to the disciples; they could not do anything." प्रभु कह रहा है, मैं 8 महीने से तुझे चिता रहा हूँ, मैं कब तक सहूंगा तुझे? The Lord said, "I've been warning you for 8 months. How long will I bear with you?" तेरा प्रार्थना के जीवन का क्या हाल है? What is the state of your prayer life? क्या परमेश्वर तेरे, तू अपने प्रार्थना के जीवन से संतुष्ट है? Are you satisfied with your prayer life? तू एक अनुशासित जीवन जी रहा है? Are you living a life of discipline? मैं तुझे कब तक सहूंगा? How long will I bear with you? हाँ, मैंने तुझे कितनी बार चिढ़ाया? How long have I warned you? अगर कोई विश्वासी प्रार्थना में सही नहीं है, निश्चित रूप से शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ेगा। If a believer's life is not right in prayer, he will definitely see the face of shameful defeat. बिजली की तरह शैतान टूट पड़ा है। Satan has come down like fallen down like lightning. वो परीक्षाओं में गिर जाएगा। He, that believer, will fall in temptation. अगर नहीं ठीक किए। If his life is not right. प्रभु बार बार उस रात को अपने चेलों को जगाता रहा कि उठो प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना फंसो। The Lord kept on waking the disciples and warning them again and again, wake up lest you enter into temptation. जब आखिरी बार हुआ, when it happened the last time, तो उन्हें क्या कहा? What did the Lord say? गप सोते रहो। Go on sleeping. मैं 8 महीने से तुम्हें जगा रहा हूँ। I have been warning you for 8 months. मैं कब तक सहूंगा तुम्हें? How long will I bear with you? मत सोचो ये वचन ऐसे आ रहा है, इसका हिसाब भी लिया जाएगा। Don't think this word is coming just like that. An account will be required of you. जो दिया गया है उसका हिसाब भी लिया जाएगा। That which has been given to you, an account will be taken. आप चुने हुए लोग हो, इसलिए ये विश्वास आपको दिया गया है। You are the chosen one of the Lord. That is why this faith has been given to you. हाँ, ये विश्वास आपने नहीं पैदा किया, परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से दिया है। You have not created this faith in yourself. God has given it to you by His grace. उसने लिखा कि तुम वो जगत के आदि से चुने हुए थे। And it is written that they were chosen from the foundations of the world. मैं अपनी शक्ति से नहीं आया हूँ। I have not come by my own power. Samson के पास अपनी शक्ति नहीं थी। Samson did not have his own power. मगर जो वरदान दिया था उसने उसका अपमान किया। But he dishonored the talent, the gift the Lord had given him. इसलिए बड़ी ताड़ना में जा पड़ा। That is why he came into such terrible chastening. क्योंकि उसने परमेश्वर की चेतावनी को नहीं हल्की बात। Because he took the warning of the Lord very lightly. प्रभु आपसे मैं कब तक सहूंगा? Lord says, how long will I bear with you? मैं कब तक तुम्हें चिताऊंगा? How long will I warn you? मैं कब तक तुम्हें जगाऊंगा? How long will I wake you up? तो प्रियो आज प्रार्थना करो। Dear ones, pray tonight. तो मेरे प्रार्थना के जीवन में अनुशासन नहीं है। Oh Lord, there is no discipline in my prayer life. मैं प्रार्थना के सामर्थ्य को नहीं पहचानता। I am not recognizing the power of prayer. इसलिए बार बार परीक्षाओं में गिर जाता हूँ। That is why I fall into temptation again and again. प्रभु मुझ पर दया कर। Lord, have mercy on me. मेरे परिवार पर दया कर। Have mercy on my family. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। और हमारे भाई जी फिलिप के साथ हम आखिरी एक